कि आज इस जितना कार्यक्रम सभा में जुटले हैं सबके जोहार आदाब नमस्कार। सबसे पहले बड़े भाई सुभाष यादव दा के धन्यवाद, संतोष यादव माफी चाहिए, संतोष यादव दा के धन्यवाद, आभार जोहार। और साथ साथ तमाम नौजवान 150-200 के संख्या में जा चाहे संगठन के हाथ पकड़ल थी अपने को आभार धन्यवाद जोहार। तो सबसे पहले सीधा सा बात, आज 23 साल इस झारखंड के बनल भाई गए, हमने पूर्वज एक बड़ी उम्मीद आशा के साथ एक सपना के साथ झारखंड राज्य के अलग कर ले। झारखंड राज्य यह खातिर अलग भले कि जब राज्य अलग होता है तो यहाँ के जितना भी अधिकार रहे चाहे आंगनबाड़ी रहे या कलेक्टर के कार्यालय रहे, चाहे वीडियो के ऑफिस रहे या थाना के दरबार रहे, चाहे पांचवा के टीचर रहे या इंटरमीडिएट के टीचर रहे, यानी हमने के झारखंडी के अवसर मैक्सिमम मिलते हैं। आज यहाँ कोडरमा जैसा कि हमने के जानकारी है कोडरमा के मैक्सिमम बच्चे हजारीबाग पढ़ रहे हैं, आज मैक्सिमम बच्चा सब किसी भी परिवार से रहे, किसी जाति से रहे, किसी धर्म से रहे, मैक्सिमम बच्चा पढ़े ले कहाँ जाए हजारीबाग, मैया बप्पा में किस प्रकार से पैसा जोगाड़ कर रहा है, मुर्गी चेंगना बेच के धान अरेज के सब्जी फसल उगाई के दो पैसा जोगाड़ कर रहा है, और अपन जीवा जाग के अपन पेटवा के दबाई के अपन ख्वाब अपन अरमान के सब कंट्रोल करके अपन बच्चा की उम्मीद से हजारीबाग रांची पटना कोटा तैयारी करे पढ़े भेज है कि जब बच्चा आता है एक सरकारी फॉर्म करते यह सोचा है ना, पढ़ाई करे वाला मैक्सिमम हटे सोचे कि एक सरकारी फॉर्म भरते 200-500 हजार रुपए फॉर्म के दाम रहता है, वो फॉर्म हुआ भरवाए एक परीक्षा लिखवाए और वो परीक्षा यदि पास करवाए तो जैसे योग्यता है यदि मास्टर की योग्यता है तो मास्टर बनवाए, वीडियो की योग्यता है तो वीडियो बनवाए, दरोगा की योग्यता है तो दरोगा बनवाए, अरे यहाँ तक की होमगार्ड चपरासी बनवाए, यानी योग्यता के आधार पर वो सपना देखे लगा है। आज लैब टेक्नीशियन के परीक्षा चर्चा में है, जगर में रांची में 61-66 को बच्चा पास कर ले कौन सुन ले हवा, चूंकि यहाँ इतना भीड़ है हम एक सवाल को रही कर रही है लैब टेक्नीशियन में तोहनी कितना जन पास कर सकता एक मिनट तोहनी थोड़ा सा अपन दिमाग में जोर डाल के बताओ तोहनी के रिलेशन में मामा में मोसा कहीं रिलेटिव में शायद नहीं कर लो, यानी सारा नौकरी कहाँ गए सब बॉर्डर पास चली गए, हमी के छोट भाई छोट बहन हमने खुद पढ़े वाले जितना भी है मैक्सिमम तो सब नौजवान सब देखे पावे सब पढ़े वाला, लेकिन परीक्षा दिल बाद और यहाँ सीट ही ना कहे ना हो ऐसे राज्य में पॉलिसी ना। अभी हमने के वो क्रिकेट के मैच में निमंत्रण है, क्रिकेट के खेल में नियम है एम्पायर रहा है वाइड बॉल के वाइड है नो बॉल के नो बॉल है आउट के आउट है सिक्स के सिक्स है नियम है ना, लेकिन झारखंड राज्य कोई नियम नहीं, बिना कोई पॉलिसी के बिना कोई नियम के इतना बड़ा राज्य चल रहा है जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य के विषय है। इसलिए आज यदि 23 साल के झारखंड में यदि हमने बदलाव चाह, कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए लिए दिल्ली गए लिए वहां मिलिए कहां से मिले बरकट्ठा से कोडरमा से राजधनवार से बगोदर से विशुनगढ़ से, ऐसा नहीं कि एक परिवार एक समाज के अलग कोई यादव जी हल्तीन कोई अंसारी जी हल्तीन कोई साहू जी हल्तीन कोई विश्वकर्मा जी हल्तीन कोई राणा जी हल्तीन सभी मिलतीन की कराथीन ना, कोई ऑटो ड्राइविंग पे रह लो कोई माइंस छोटे मोटे पत्थर तोड़ रहा लो महाराष्ट्र में मिलल। आज झारखंड जैसा प्रदेश में जहाँ 40% खनिज संपदा है, जहाँ के कोडरमा में अभरक धनबाद में कोयला बोकारो में बारूद है, गिरिडीह में पत्थर है, जादूगोड़ा में यूरेनियम है, रांची में सोना है, गुमला में हीरा है, उस राज्य में यदि इतनी बड़ी आबादी में लाखों की संख्या में कोई प्रदेश में रहा है तो सवाल कहीं ना कहीं राज्य में जो सत्ता चला ले 23 साल से और सवाल है जो अपने में बना है।